ये देख रहे हैं जेएलएन मार्ग जेके लोन हॉस्पिटल के सामने की स्थिति है। ये हर जगह क्वारंटाइन सेंटर बना रखा है, लेकिन ये आप स्थिति देखेंगे, यहाँ क्वारंटाइन सेंटर है नहीं। क्या क्या इन लोगों में कोरोना नहीं फैलेगा? क्या सरकार इन लोगों को देख नहीं रही है? ये स्थिति आप देखेंगे जेएलएन मार्ग पे है, जेके लोन हॉस्पिटल के जस्ट सामने। ये लोग भूख के कारण आते हैं या पता क्या कारण आते हैं, आप देखिए इस स्थिति है। लोगों ने हमारी गाड़ी को देखा और सोचा है हम खाना बांटने के लिए आए हैं। वैसे हम खाना बांटते हैं, लेकिन आप स्थिति ये देखिए। के सामने हूँ, जेके लोन हॉस्पिटल के सामने जो लोग बैठते हैं वो भूख के लिए परेशान रहते हैं, खाना नहीं मिलता इनको, सरकार के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। क्वारंटाइन लोगों को इकट्ठा कर रखा था, स्कूलों में जगह जगह लोगों को इकट्ठा कर रखा है, लेकिन इन लोगों के लिए बिल्कुल खाना नहीं मिलता। आइए मैं एक लोग से आपसे परिचित कराता हूँ, ये आदमी है, इनको खाना नहीं मिलता। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम छठलाल प्रजापति हूँ, मैं बिहार से रहने वाला हूँ। कब से रह रहे हो यहाँ पे? और यहाँ मेरे को आते हुए 10 दिन हुआ था, तो मेरा ये लग गया लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन की वजह से हम यहाँ पे मतलब फंस गए, ने घर से रहे, ने घाट से रहे। और यहाँ आपको क्वारंटाइन के लिए कोई आया नहीं सरकारी आदमी आपके पास में? क्वारंटाइन के लिए तो आए थे, कुछ खाना पीना के लिए आए थे, खाना देने के लिए आए थे। कोई ऐसे थोड़ी आए थे लोग भी कि आपको विवाह से वापस भेज दें, कहीं भेज दें? ऐसे कोई भी नहीं आए थे, कोई नहीं आए। ये सब लोग जो बैठे हैं अलग अलग जगह से हैं। भैया आप कहाँ से? ये आगरा के रहने वाले हैं ये, और आगरा के रहने। तो आप यहाँ जेके लोन हॉस्पिटल के बाहर क्यों बैठते हैं? यहाँ कोई आपको पता है? काम वाम करते हैं, अब काम है नहीं हमारे, बैठते हैं यहाँ पर। 2 महीने हो गए, 2 महीने, डेढ़ महीना होगा, डेढ़ महीना हो गया। आप क्या करते हैं यहाँ पे? यही मजदूरी, मजदूरी करते हैं। आपको यहाँ कोई सरकारी कोई कम कम मिलता है? खाना पूरा नहीं मिल पाता। मैं आपसे यही कहूंगा कि अक्षय पात्र की तरफ से जो भी खाना आता है, अभी तक यहाँ कोई ऐसा बूथ नहीं बना रखा है जिसके लोगों को खाना मिले। मैं चाहता हूँ सरकार से, प्रशासन से यही चाहूंगा कि इन लोगों को खाना मिले, इनके रहने की व्यवस्था की जाए, नहीं तो इससे तो इनका कौन जिम्मेदार होगा? ये कितने लोगों को फैलाएंगे आप देखेंगे। इस रोड पे, पूरी रोड पे ये लोग बैठे रहते हैं सारा दिन, तब ये लोग कितने लोगों को फैलाएंगे कोरोना वायरस? फिर ये जयपुर की क्या स्थिति होगी आपको देखेंगे। अतुल्य संसार, आपकी खबरों का संसार। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।